अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिजिक्स क्लास 10 का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम इलेक्ट्रो को एब्रिविएशन करते हैं ई से, ठीक है, मैग्नेटिक को एब्रिविएशन करते हैं एम से, और इंडक्शन को हम एब्रिविएशन करते हैं आई से। तो पेपर में अक्सर आ जाता है डिफाइंड ई एम आई, तो इसका मतलब यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देखिए, एम्पियर ने हमें बताया था अगर किसी सर्किट के अंदर से करंट पास आ रहा हो, कि सर्किट के अंदर से करंट पास आ रहा हो, तो उसके अराउंड में नेगेटिव फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फिर इसके रिवर्स में हमें माइकल फैराडे ने बताया अगर किसी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर किसी सर्किट के अंदर नेगेटिव फील्ड हो वहाँ उसके अराउंड इलेक्ट्रिक करंट फील्ड पैदा होता है। देखिए, अगर करंट इस तरह डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ सर्किट के अंदर, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर करंट इस साइड पे फ्लो कर रहा हूँ सर्किट के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है वो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर सर्किट के अंदर करंट ना पैदा हो रहा हो, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है वो अपनी जगह पे रहती है, नॉर्मल रहती है। आज इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रैक्टिकली चेक करते हैं। बाकी ऐसे हैं, देखिए, आज गैल्वेनोमीटर की मदद से हम देखेंगे किस तरह कॉइल के अंदर हम मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करवा सकते हैं, करंट पैदा करवा सकते हैं मैग्नेट की मदद से। चेक करते हैं, देखिए इसके अंदर लूप जो है ना, टर्न ऑफ लूप्स एक कम है, इसको हम सोलेनोइड भी कहते हैं। जब लूप्स कम होंगे तो उसके अंदर करंट भी कम पैदा होगा, और करंट का हमें पता कैसे चलेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नीडल लगी हुई है वो डिफ्लेक्ट होगी। अगर डिफ्लेक्ट ना हो तो उसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो लेफ्ट या राइट, तो उसका मतलब इस कॉइल के अंदर से करंट पास हो रहा है, और किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से, ठीक है। माइकल फैराडे ने बताया मैग्नेटिक मदद से हम करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखें, ये मेरे पास साउथ पोल है, ये बाहर मैग्नेट है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है दूसरा साउथ, दो तरह के पोल्स होते हैं। अभी हम देख साउथ पोल्स चेक करते हैं क्या होता है। देखें, जब हम देखें इसको इंटर करते हैं इसके अंदर, तो देखें बहुत कम डिफ्लेक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टर्न्स बहुत कम है। जब टर्न्स कम होंगे तो उसके अंदर करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। देखें, साउथ से करेंगे ना, जब इंटर करेंगे तो सुई किस तरह राइट साइड पर जा रही है। देखें, जब इंटर करेंगे नीडल राइट साइड पर, जब बाहर निकालते हैं तो नीडल लेफ्ट साइड पे। ये था हमारे पास साउथ। अब इसका पोल चेंज करते हैं, अब नॉर्थ से करते हैं, देखते हैं नॉर्थ से क्या होता है। देखिए, जब नॉर्थ से इंटर करते हैं, देखें तो सुई लेफ्ट साइड पे आ रही, देखें गौर से। देखिए, जब इंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे, जब आउट करते हैं तो राइट साइड पे, अपोजिट आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें, अब इस को मैंने इसके साथ जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं। जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर करंट भी ज़्यादा इंड्यूस होगा, इसके करंट ज़्यादा पैदा इसके मुकाबले में। इस पर देखें लूप्स कम थे, तो इसमें करंट बहुत बहुत स्लाइटली जो सुई जो है ना डिफ्लेक्शन कर रही थी, स्लाइटली बहुत कम, और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कम थे। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और पता क्या चलेगा हमें गैल्वेनोमीटर की नीडल की मदद से, ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। अभी चेक करते हैं। देखिए, जब साउथ से करेंगे, जब इंटर करते हैं ना, सुई किस तरफ डिफ्लेक्ट करती है, राइट साइड पे। जब आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो सुई किस तरफ डिफ्लेक्ट करती है, लेफ्ट साइड पे। देखें, अब देखिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है ना। देखिए, जब नॉर्थ से करेंगे, देखें अब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। आप देखें, तीसरी कॉइल आ गई हमारे पास, इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा हैं, इसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने लूप्स 100। अब इसके अंदर जब मैग्नेट हम गुजारेंगे, इसके अंदर से फ्लक्स पास होंगे, तो उसके अंदर ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हम मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं कॉइल्स के अंदर, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उसके अंदर ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। और पता कैसे चलेगा हमें, नीडल हमें बताएगी। अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो, इसका मतलब ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कम डिप्रेशन हो, इसके अंदर कम करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी हम चेक करते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा। देखिए, अब साउथ से करेंगे, देखिए नज़र आ रहा है, अब सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। क्यों?
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा थे। नज़र आ रहे हैं, देखें इस तरह करके देख लें। तो हमें क्या पता चला, जब नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एक और चीज़ भी होती है, देखिए जब आप इसके अंदर इंटर करते हैं ना, आप देखिए कि सुई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखें मैंने अंदर रखा हुआ इसके, तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्यों? नेगेटिव फील्ड लाइन्स चेंज नहीं हो रही। जब नेगेटिव फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी तो करंट पास नहीं होगा, ठीक है? देखें जब देखें आप इन आउट करते हैं ना, नेगेटिव फील्ड लाइन चेंज होती हैं। जब आप करीब लेके जाते हैं तो नेगेटिव फील्ड लाइन ज़्यादा पास करती हैं इसके अंदर से, जब दूर लेके आते हैं तो नेगेटिव फील्ड लाइन्स कम हो जाती हैं। इसी वजह से करंट यहाँ से प्रोड्यूस होता है, EMF करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप सर जस्ट यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही, तो देखें सुई जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, नज़र आ रही? देखिए मैंने रखा हुआ है इन, लेकिन वहाँ सुई जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही। तो हमें ये किसे माइकल फ्राडे ने बताया कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी तो करंट भी पास नहीं होगा। तो देखें करंट पैदा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। देखें जब चेंज करेंगे डिफ्लेक्शन नज़र शो करें ना, डिफ्लेक्शन ये किस वक्त जब करीब लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होती हैं, जब दूर लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती हैं। इसी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रैक्टिकल, क्लास 10 फिजिक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।